वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल विभिन्न होम्स पर। तो दोस्तों, आज जो हम घर देखने जा रहे हैं वो मेरे खास उन दोस्तों के लिए जिनको चाहिए एक सिंगल स्टोरी और एक अच्छी और बड़ी स्पेस। तो दोस्तों, मेरा आज का जो घर रहेगा हमारा, वो बिल्कुल खास मेरे उन्हीं दोस्तों के लिए रहेगा जो कि ग्राउंड फ्लोर हमें मिलने वाला है एक डेवलप एरिया के अंदर। हरियाली आपको आसपास मिलेगी, डेवलप एरिया पूरा मिलेगा, हर चीज़ यहाँ पर प्रॉपर कंप्लीट है, ग्रेटर मोहाली आपको मिल जाएगा। और जो घर हमारा रहने वाला है, 3 बेडरूम हॉल किचन आपको मिलने वाला है। प्रॉपर आपकी जो फेसिंग रहेगी घर की, ईस्ट रहेगी और साइड आप देख सकते हो, फ्रंट आपका सारा का सारा टाइल्स के साथ कवर किया गया। मॉडर्न डिज़ाइन आपको फ्रंट में मिलने वाला है, अंदर थोड़ा सा ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिज़ाइन का एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आप देख सकते हैं जो फ्रंट आपकी वॉल है सारा टाइल्स के साथ है, ऊपर वुडन क्लैडिंग के साथ आपको जो आयरन रॉड्स आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो हमारा गेट है वो भी आपको आयरन का मिलने वाला है, काफ़ी हैवी गेट आपको रहेगा यहाँ पर, उसके साथ वुडन क्लैडिंग। तो ओपन करते हैं इसको थोड़ा सा, और यहाँ पर हमारा पार्किंग एरिया, काफ़ी अच्छा खासा पार्किंग एरिया हमें यहाँ पर मिल जाता है। प्रॉपर 22 फीट की पार्किंग है और आप किसी भी एंगल से आप इस घर को देख लेंगे तो वाकई बड़ा खूबसूरत तरीके के साथ इसको बनाया गया है। तो दोस्तों बता दो, इसको ये जो है आपका 31 फीट की इसकी जो रहेगी विड्थ रहेगी और 68 जो है इसकी डेप्थ रहेगी, मतलब कि 235 गज के अंदर आपको ये घर मिलने वाला है सिंगल स्टोरी। फ्रंट आप जैसे देख रहे हैं हमारे आजकल मॉडर्न डिज़ाइन आपके बन रहे हैं, ऊपर आप देख सकते हैं ये जो एंगल्स है थोड़े से ट्रेडिशनल डिज़ाइन के साथ है, लेकिन लुक्स बिल्कुल ऑसम आपको मिलती है यहाँ पर। बीच में छोटे छोटे लैंप्स हैं जो इस घर की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। अगर आप इस घर को देखने किसी वक्त शाम को आते हैं तो आप सच में इस घर के दीवाने हो जाएंगे। और बिल्कुल स्टेज के ऊपर आपको एक अलग डिज़ाइन मिलेगा। और ये हमारा पार्किंग एरिया जो कि प्रॉपर आपका 22 फीट का रहेगा, ताकि आप बड़ी से बड़ी सेडान अगर यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो आराम से आप लगा सकते हैं। और ठीक, हमारी जो स्टेज रहेंगी वो अपनी बाहर से रहेंगी, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको लगता है आप ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो ईजिली आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे घर की एंट्रेंस रहेगी जो कि वुडन डोर आपका वायर मैश के साथ आपको मिलने वाला है, प्लस ऊपर रोशनदान आपको मिलेगा, एक शानदार सा लैंप आपको इसके बिल्कुल डैप के दरवाजे के ऊपर। तो दोस्तों दरवाज़ा ओपन करते हैं, पहले तो बड़ा अच्छा हैंडल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, काफ़ी बड़ा है और लुक्स अच्छी हैं इसकी। और जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास अंदर की तरफ आता है एक अच्छा सा टीक वुड के साथ फिनिश आपका मेन एंट्रेंस डोर, जिसमें आपको बीच में आपको प्लाई मिलती है, उसके ऊपर बिल्कुल एक अलग सा डिज़ाइन आपको नज़र आएगा यहाँ पर गोल्डन डिज़ाइन के साथ। और ओपन करते हैं तो अंदर आते ही हमारे पास एक काफ़ी अच्छी खासी शाही स्पेस हमें मिल जाती है, एक प्यारा सा झूमर जो हमारा वेलकम करता है अंदर की तरफ। आप देखिए स्पेस, किसी भी एंगल में आप घूमते हैं तो आपको स्पेस यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और दोस्तों ठीक, इस तरफ हमारा ड्राइंग एरिया, तो हम सबसे पहले ड्राइंग एरिया की तरफ ही बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं ड्राइंग एरिया को एक अच्छे तरीके से यहाँ पर अलग से हाईलाइट किया है आपकी पार्टीशन के साथ। और जो ड्राइंग एरिया का एरिया हमें मिलता है वो 12x12 का आपको पूरा प्रॉपर स्क्वायर साइज़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और जितनी भी फ्लोरिंग रहेगी हमारे घर के अंदर पूरी की पूरी आपके मार्बल के साथ मिलने वाली है। कॉर्नर में आपको 2 टेबल्स मिल जाएंगे जिनके लुक्स वाकई अच्छी है, आप डिज़ाइनर जिस हिसाब से कुछ रखना चाहते हैं रख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर एक पॉलिश मिलेगा। एक अच्छा वुडवर्क आपको इस घर के अंदर पूरा मिलता है, एक वॉल्व जो आपकी पूरी हाईलाइट की है, आप ये लगा लीजिए 12x12 के अंदर। आप जिस तरीके से अपना अगर 7 सीटर आप रखते हैं या फिर 9 सीटर रखते हैं, तो बिना किसी शर्त के या बिना किसी प्रॉब्लम के आप सेंटर टेबल के साथ बड़े आराम से अपने गेस्ट के साथ यहाँ बैठ सकते हैं। और बाहर खिड़की आपको बड़ी सी मिल जाएगी जहाँ से नज़ारा आपका बाहर का बेहद शानदार। तो दोस्तों थोड़ा सा इस तरफ आते हैं तो मैं आपको इसका जो गेट था ये दिखा देता हूँ। नीचे थोड़ी सी स्टोरेज रहेगी, ऊपर स्टोरेज रहेगी, और जो कटिंग के साथ आपको नीचे नज़र आ रहा है ये आपका MDHR बोर्ड होगा, जिसे CNC लेज़र कटिंग के साथ यहाँ पर लगाया गया है। तो लुक्स इसकी काफ़ी अच्छी आती है, यहाँ से वहाँ देखते तो लाइट भी आपकी क्रॉस होती है, प्रैक्टिकली भी अच्छा लगता है और वैसे लुक्स में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये हमारा डाइनिंग एरिया जिसमें हमने एंटर किया था, बिल्कुल 16x16 का काफ़ी अच्छा साइज़ हमें यहाँ पर मिल जाता है। और ये झूमर जो इसकी लुक्स जो बिल्कुल अलग कर देता है, जैसा मैंने कहा था कि वुडवर्क आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलता है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो है दो अलग से लुक्स के साथ 2 क्रॉकरी सेट के हिसाब से आपको डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाता है। और स्पेस देखिए आप यहाँ से वहाँ तक, जब आपके पास 235 गज की स्पेस हो जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि हम जो चाहें वहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर स्पेस आपको पूरी देनी है। आप देखिए स्टोरेज आपके पास काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, आप इजीली इसमें मंदिर बनाएं या फिर यहाँ पर अपना टीवी रख सकते हैं। और स्टोरेज आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ मिलती है यहाँ पर, जैसे ही दोनों क्रॉकरी सेट्स के अंदर। और ठीक इस तरफ हमारा किचन, यहाँ पर भी एंट्रेंस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, सेमी ओपन किचन आपको यहाँ पर मिलने वाली है और काफ़ी बड़ी है। और देखिए 12x8.5 का साइज़ है। और देखिए कैबिनेट से कैबिनेट्स हैं आपके पास,
तो इसका मतलब ये है कि आपकी किचन में इतनी स्पेस है कि आपके पास जितना भी सामान हो, कभी भी कितना भी सामान हो, आपको रखने में यहाँ पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमने इसके टाइल्स जो है वो 8 फीट की तरफ कर दिए हैं ताकि आपके लुक्स जो है वो हमेशा अच्छे रहे। और सारे के सारे डीको पेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और अंदर जो रहेगी आपकी सारी डबल लेमिनेटेड प्लाई रहेगी यहाँ पर, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल और मॉडर्न लुक्स के साथ आपको पूरी किचन मिलती है। आप इजीली अपने यूटेंसिल्स को धोकर यहाँ पर रख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हल्का फुल्का काम अभी बाकी है, तो मतलब कि फिनिशिंग का काम अभी बाकी है, तो कुछ चीज़ें अगर आपको ऐसी लग रही हैं तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको हम पूरी कंप्लीट करके यहाँ पर देंगे। इसके अलावा एक बड़ी सी खिड़की आपको किचन के अंदर मिल जाती है, और चिमनी आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। और देखिए ऊपर भी आपको पूरे के पूरे कैबिनेट्स हम यहाँ पर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास स्टोरेज कई बार ज़्यादा आ जाती है। और नीचे भी अगर हम देखते हैं तो आपके पास स्टोरेज जो है काफ़ी अच्छी खासी है। आपके बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना तवे कढ़ाई, जो मर्जी आप रखिए आराम से यहाँ पर। आपको यहाँ पर कोई सामान रखने के बाद किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा ये सामान वापस या फिर बाहर रह गया। प्रॉपर आप देखेंगे फिनिशिंग एक काफ़ी अच्छे तरीके के साथ यहाँ पर आपको मिल जाती है, तो सिंपली जो लुक्स है वो नहीं होगी, प्लस क्वालिटी आपको इस घर के अंदर पूरी मिलती है। साइड कॉर्नर्स को भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन रखा गया है। और दोस्तों एक कंप्लीट पैकेज जिसे बोलते हैं ना, एग्जैक्टली वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। स्पेस आपके प्रॉपर जो है फ्रिज के लिए, तो कंप्लीट इजीली अगर 3 से 4 लोग भी यहाँ पर खड़े हैं किचन में तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली अपना काम पूरा आराम से बिना स्वेटिंग के या बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। तो यही किचन होती है जो की तलाश सबको होती है खासकर। तो उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट बेडरूम, जी हाँ, एक शानदार स्पेस 14.5x13 की स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाती है। बेहद खूबसूरत तरीके के साथ जिसे डिज़ाइनिंग हम कह सकते हैं, एग्जैक्टली वैसी चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाती है। एक फिनिशिंग आपको जो है देखेंगे तो आपको हर जगह काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, हालांकि अभी पूरी फिनिशिंग करनी बाकी है यहाँ पर। तो पहली नज़र में तो आप वाकई इसको कहेंगे कि बिल्कुल अलग ही चीज़ है। तो हमने इस घर के अंदर स्टोरेज का आपके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, क्योंकि हमें पता है कि जब घर बड़ा होता है तो हमारे पास सामान भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और हम नहीं चाहते कि हमारे बेडरूम में एक अलग से कुर्सी पड़ी हो हर बेडरूम के अंदर, तो इसलिए हम आपको स्टोरेज काफ़ी अच्छी देंगे। और यहाँ पर आपका फर्स्ट वॉशरूम जो कि 10.5x6 काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, साइज़ काफ़ी अच्छा, आप इजीली अपनी वॉशिंग मशीन भी अगर अंदर रखकर अंदर ही वॉशिंग करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर इजीली हो सकती है, पॉसिबल है। आपका काफ़ी सूदिंग से कलर आपको पूरे वॉशरूम के अंदर मिलेंगे, और जो टाइल्स आपको बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक मिलेंगी। और इसके साथ दोस्तों वापस अपने बेडरूम में, और बेडरूम में हमारे पास एक बड़ी सी खिड़की जहाँ से सारा दिन आपके पास लाइट जो आती रहेगी, और आप देखेंगे बिल्कुल ऊपर जो है रोशनदान तक आपको यहाँ पर पूरी लाइट की सुविधा पूरी प्रॉपर मिलती है, ताकि जो वेंटिलेशन है वो पूरा घर के अंदर बना रहे। और ठीक यहाँ पर हमारे पास एक दरवाज़ा जो हमें ले चलता है हमारे बैकयार्ड की तरफ या फिर हमारे वॉशिंग एरिया की तरफ, जहाँ पर आपको पूरी प्रॉपर 24 फीट की लेंथ आपको मिलती है और 11 फीट की विड्थ मिलती है। और ऊपर हमने थोड़ा सा जंगला यहाँ पर लगा दिया है ताकि आप वॉशिंग और क्लोथिंग दोनों यहाँ पर कर सकें। और प्लस जैसे कई बार मन होता है ना हमारा धूप सेकने का या धूप में बैठने का, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें धूप में करनी होती है। जैसे हम पुराने टाइम में हम घर के अंदर कनक को सुखाया करते थे, फिर उसको आटा चक्की में भेजा करते थे, तो उस हिसाब से भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर स्पेस जो आपके पास काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो कुछ चीज़ें होती जो हम आज भी मिस करते हैं, आज सिटी की लाइफ आ गई है तो जो पुरानी चीज़ें थी हमारी मिस होती है। मुझे याद है मेरी दादी कई बार पीछे बैठा करती थी धूप के अंदर, तो हमारे लिए स्वेटर या फिर कोई और चीज़ देखती रहती थी, तो वो चीज़ें अब थोड़ा कम हो गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सेकंड बेडरूम जो कि अगेन हमारे पास 14.5x13 का हमें मिल जाएगा, और स्पेस हमारे पास बरकरार वैसे ही रहेगी जैसा हमने पहले देखा था। प्रॉपर आपकी जो फ्लोरिंग आपको मार्बल की रहेगी, एक वॉल पर आपको हाईलाइटेड वॉलपेपर मिलेगा बेड की बैक पे, और ठीक सामने की तरफ बड़ी सी खिड़की और वार्डरोब्स आपको बिल्कुल अंदर इनबिल्ट मिलेंगी। अगेन दोस्तों दोनों ही बेडरूम्स के अंदर एक आपको इनबिल्ट वार्डरोब मिलती है और एक वैसे मिलती है, और यहाँ पर भी आपके पास जो स्पेस है वो पूरी प्रॉपर रहती है। हम इसे मास्टर बेडरूम कह सकते हैं क्योंकि जो वार्डरोब आपकी एक तो इनबिल्ट है और दूसरी जो हमने एक अलग जगह पर रखी हुई है, आप देखें नीचे से ऊपर तक आपको पूरी प्रॉपर स्पेस मिलेगी और प्रॉपर पॉलिश की गई है, नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर जितना काम किया गया एक अच्छे तरीके से आपको पूरा काम मिलता है। और ठीक है वो लोकेशन जहाँ पर आपकी सेकेंड वार्डरोब आपको मिल जाती है, हम ड्रेसिंग एरिया भी हम बोल सकते हैं, तो आपके बेडरूम है उसके साथ बहुत अच्छी स्पेस है हमारे पास। और ठीक यहाँ पर आपका अटैच वॉशरूम आपको मिल जाएगा, या हम इसे कॉमन वॉशरूम भी कह सकते हैं जो हमारे दो बेडरूम्स के साथ है, और टाइल्स हमारी यहाँ पर भी सीलिंग की हाइट तक रहेंगी और काफ़ी अच्छी लुक्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी।
तो दोस्तों ठीक, यहाँ से हमारे पास दरवाज़ा हमारे पास बाहर जाने के लिए अगेन सेम हमारा बैकयार्ड जहाँ पर हम अभी होकर आए हैं। तो फिर हम यहाँ से बढ़ते हैं सीधा आगे की तरफ। कॉकरी सेट हमारा, और ये हमारे घर का थर्ड बेडरूम जो कि बिल्कुल फ्रंट पर आता है, सबसे छोटा भी मैं कहूँगा, लेकिन एक अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है। 12x10 का आपका साइज़ मिलता है यहाँ पर, और इस साइज़ के अंदर आपकी वार्डरोब बीच में नहीं आती, ये सबसे खास खास चीज़ है। एक बड़ी सी खिड़की आपको पूरी मिल जाएगी, ये यहाँ से आप बाहर भी तरफ जा सकते हैं और लाइट पूरी आती है। वार्डरोब आपको यहाँ पर भी पूरी मिलेगी नीचे से ऊपर तक, और इसको भी हमने जो है इनबिल्ट रखा है एक अच्छे डिज़ाइन के साथ। पूरे घर की जो लुक्स है हमने कहीं पर भी ख़राब नहीं होने दी, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको लुक्स के साथ ज़्यादा प्यार है और क्वालिटी के साथ भी उतना ही प्यार है। और ये आपका अगेन कॉमन वॉशरूम जो हमने अभी देखा था, जहाँ पर सीलिंग की हाइट तक आपको टाइल्स मिलती हैं और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको यहाँ पर पूरा मिल जाता है। वॉल हैंगिंग सीट आपको दोनों ही वॉशरूम्स के अंदर आपको मिलेगी, एक अच्छी लुक्स और एक अच्छी साइज़ के साथ आपको पूरा घर यहाँ पर एक प्रॉपर मैनेज किया हुआ डिज़ाइन आपको पूरा मिल जाता है। ये वही चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। और ये खिड़की आपकी, और यहाँ से बाहर का नज़ारा ही बहुत अच्छा है, क्योंकि आसपास के घर जो है सारे डेवलप हो चुके हैं, पेड़ लगे हुए हैं, खूबसूरती आपके घर के पास है, तो बात यहाँ पर बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों इसके साथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको बाकी हमारा जो रूफ़ है वो भी दिखा देता हूँ। और दोस्तों स्टेयर्स हमारी जो रहेंगी आपकी मार्बल की रहेंगी, वाइट मार्बल और प्लस स्टेनलेस स्टील की रेलिंग, और इसके साथ ये सामने आपका वो अगेन CNC की कटिंग जिसमें ग्लास फिटेड है, और लुक्स इसकी काफ़ी अच्छी लगती है यहाँ से देखें, यहाँ बाहर से देखें तो। और ठीक यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी स्टोरेज है जहाँ पर हमने आपके लिए बाल्टियाँ रखी हुई हैं जो सालों साल चलेंगी आपकी घर लेने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी रूफ आ जाती है, तो काफ़ी अच्छा एरिया है, आसपास के घर सारे बने हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको आज की अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, और अगर आप नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस वादे के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए घर के साथ, तत्व के लिए इजाज़त लूँगा, आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।